कांके में ईस्टर की तैयारी शुरू हो गई है। ईसाई समुदाय की ओर से सुकरहुटु स्थित कब्रिस्तान के साथ साथ अन्य कब्रिस्तानों की साफ सफाई व रंग रोगन के काम में जुट गए हैं। अधिकतर कब्रों पर रंग रोगन व लिपाई का कार्य शुरू हो चुका है। आज विल्सन गुड़िया, सुजीत कुजूर, विमल जॉन खेस ने कब्र परिसर की साफ सफाई JCB से करवाई। सुजीत कुजूर ने कहा, ईस्टर के पहले शनिवार की शाम मृत विश्वासियों की याद में लगभग सभी कब्रिस्तान में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर ईसाई समुदाय के लोग अपने परिवारजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और कब्रों पर धूप बत्ती, मोमबत्ती और पुष्प अर्पित करेंगे। इसको लेकर कब्र की साफ सफाई की जा रही है। साल ईस्टर की जो तैयारी चल रही है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, संपूर्ण मसीह समुदाय के लिए। आज जो है हमारे लिए प्रभोज स्थापन पर्व है, कल गुड फ्राइडे का दिन है और उसके बाद ईस्टर का पर्व है। और हमारे कांके क्षेत्र में जो है इसका उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमारे समुदाय के लोग जो हमारे जो हमारा कब्रगाह है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने प्रियजनों के जो भी कब्र है उनको सफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, ताकि ईस्टर के दिन जो है, जो हमारा मुख्य त्यौहार है, उस दिन जो है लोग यहाँ पर आकर फूल माला चढ़ाएंगे, कैंडल जलाकर जो है आशीष की जो है वो लोग कामना करेंगे। तो उसके लिए जो है जोर शोर से जो है मतलब हमारा समुदाय इसके लिए लिए जो है काम कर रहा है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने देखा कि कुछ काम है जो मतलब जो साफ सफाई का काम है तो उसको करना था, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और भाई हमारे विल्सन गुड़िया जी है और उनके अगुवाई में काम हो रहा है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इस साल बहुत अच्छे तरीके से और धूमधाम से ईस्टर का पर्व हम लोग मनाने पाएंगे। ईस्टर पर्व बहुत नज़दीक है और उसी के सिलसिले में हम लोग इसमें कांके कब्रगाह के समीपता में हैं और इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि ईस्टर के अहले सुबह लोग यहाँ पर आते हैं और जितने भी उनके प्रियजनों के कब्रगाह हैं उनमें लोग श्रद्धा फूल चढ़ाते हैं, कैंडल जलाते हैं, यहाँ पर दुआएँ होती है, प्रार्थनाएँ होती है और इसीलिए सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी की तैयारी में हम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और कल का दिन जो हमारे लिए जो ठहराया गया वो प्रभोज स्थापन पर्व का दिन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीह समुदाय के लिए और जिसमें हर एक मसीह तैयारी करते हैं कि कल के आराधना में अवश्य भाग लें। और ईस्टर जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है और चूँकि हमारा झारखंड जो है पर्व त्योहारों का बहुत ही अच्छा दिन रहा है, तो झारखंड के लिए हर एक जाति धर्म के लोग मिलकर हर पर्व त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं और खासकर कांके तो इसमें बहुत ही अग्रणी है। कांके में हमेशा हर पर्व जो भी यहाँ होता है किसी भी धर्म समुदाय का हम सब लोग उसमें सहयोग करते हैं। समय जबकि हम यहाँ पर खड़े हैं साफ सफाई करने के लिए कब्रगाह को, हमारे बीच बहुत सारे जो लोग हैं जो अनंत क्रिश्चियंस लोग हैं वो भी हमारे मदद कर रहे हैं इसको सफाई करने।